क्लास 5 सब्जेक्ट हिंदी, 1 मई 2020 क्लास वर्क। वो मुट्ठी खोलने ही वाला था कि किशान ने कसकर मुट्ठी पकड़ ली और अपने जेब से एक चाकू निकाला। सेठ जी, अब मुट्ठी मुट्ठी को खोलते हो? मैंने तो 2 मुट्ठी रुपए मांगी थी मांग मैंने तो 2 मुट्ठी रुपए मांगे हैं। मुठिया तो आप मेरे हैं। चाकू के चमचमाती धार देखकर व्यापारी के होश उड़ गए। वो बोला, जा क्या कर रहे हो भाई? 2 मुट्ठी रुपए का मतलब 2 मुट्ठी भर रुपए हुए, मुठिया उसमें कहाँ से आ गई? किशन बोला, महाराज अगर गाड़ी भर लकड़िया का मोल करते समय गाड़ी और बेल आ सकते हैं तो मुट्ठी भर रुपए में मुट्ठी भी आ ही सकते हैं। अब तो व्यापारी व्यापारी को दिन में तारे नजर आने लगे। वो हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ करो। वो रही गाड़ी और वे रहे बेल, अब मेरा पीछा छोड़ो। किसान इतने आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। उसने चाकू कलाई पर रखा और इस्ते इस्ते बोला, सेठ जी लोग तो वचन के पीछे जान तक दे देते हैं, आप है कि मुठिया देने में गिर गिरा रहे हो। उसने चाकू को धीरे से कलाई पर फेरा तो व्यापारी चीख चीख कर रोने लगा, अरे भाई तू गाड़ी वेल लकड़ी सब ले जा, जो रुपए दिए वे भी ले जा, पर मेरा पीछा छोड़। किसान व्यापारी को जिंदगी भर के लिए सबक सिखाना चाहता था। वो बोला, सेठ जी अगर आप पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो 1,000 रुपए दे दे। व्यापारी हाय हाय करता भीतर गया और तिजोरी से 1,000 रुपए निकल कर लाया और किसान को दे दिए। बहुत चतुर किसान ने रुपए गिनकर ओठी में रखे और व्यापारी को सबक सिखाकर दोनों गाड़ियां तथा 1,000 रुपए लेकर खुशी खुशी अपने गांव लौट आया। लक्कड़हारे को उसके गाड़ी और 20 रुपए दिए। लक्कड़हारे ने किशन को बहुत धन्यवाद किया। तो ये था आज का क्लास वर्क और आपके होमवर्क है ये वाला पेज नंबर 9 का, जो ये नंबर 3 और नंबर 4 है, ये रहा आपका होमवर्क। ये आप करके मुझे दिखाना।